नमस्कार, भारत समाचार पर आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम भाग्य चक्र और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। और क्योंकि आज से शुरुआत हो गई है श्रावण मास की, पवित्र मास की, और आज हम जानेंगे कि आखिर इस श्रावण मास में आपको भगवान शिव की आराधना पूजा कैसे करनी है ताकि आपकी सोई हुई किस्मत जग जाए। जी हाँ, इसके साथ ही जानेंगे आपकी राशियों का हाल, आज आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, जिन जातकों का जन्मदिन है उनके बारे में भी बात करेंगे। और इन तमाम चीज़ों के लिए, जानकारियों के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आचार्य धनंजय जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, नमस्कार। बिल्कुल, तो आचार्य जी, जैसा कि आज हम शुरुआत में ही कह रहे थे कि जो हमारी चर्चा का विषय है वो है श्रावण मास, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पवित्र कहा जाता है इसके। इसकी क्या इम्पोर्टेंस और ऐसा क्यों होता है कि भगवान शिव इस मास में ही उनकी सबसे ज्यादा पूजा अर्चना होती है? मासों में सर्वाधिक शुभ मास माना जाता है और सबसे शुभ महीने के रूप में श्रावण के महीने को माना जाता है। ये एक प्राचीनतम मान्यता है, अन्यथा कोई भी समय, कोई भी तिथि, कोई भी काल ऐसा नहीं है कि जिसमें शिव जी की आराधना न की जाए। श्रावण महीने में विशेष रूप से शिव जी की कृपा प्राप्त होती है और जो भी जातक अपनी कोई भी मनोकामना हेतु शिव जी की आराधना करते हैं, अति शीघ्र भगवान शिव जी की कृपा से उनकी सारी मनोकामनाएँ पूरी होती हैं। शिव जी की पूजा के लिए बहुत ही सरल सा उपाय है, शिव जी को बिल्व पत्र अर्पित करिए, शिव जी को भांग, धतूरा और इस प्रकार की सारी सामग्रियां आप अर्पित कर सकते हैं। और दूसरी एक बात कि गाय का दूध, कच्चा दूध, बिना गर्म किया हुआ कच्चा दूध और गंगा जल, ये आप शिव जी को अर्पित करिए। शिव तांडव स्त्रोत का पाठ नियमित रूप से करिए, दही से और गन्ने के रस से भी शिव जी का अभिषेक करना सर्वश्रेष्ठ होता है। शिव महिम्न स्त्रोत का नियमित रूप से पाठ करने से सभी जातकों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सावन का महीना अपने आप में सर्वोत्तम महीने के रूप में माना जाता है। कहा जाता है कि हर मास की जो शिवरात्रि पड़ती है और विशिष्ट रूप से जो श्रावण मास है, इस महीने में अलग ही प्रकार की शिव जी की कृपा होती है, शिव जी की विशेष अनुकंपा प्राप्त होती है। जैसे भादो महीने में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था और कृष्ण जी की विशेष उपासना के लिए कारक महीना माना जाता है, ठीक उसी प्रकार से गणेश जी की उपासना के लिए गणेश चतुर्थी का जो तिथि होती है वो माना जाता है। उसी प्रकार से जैसे नवरात्रि के लिए विशेष संदर्भ है दुर्गा जी की आराधना के लिए, लेकिन धर्मशास्त्री मतों के अनुसार किसी भी समय में, किसी भी तिथि और काल में शिव जी की आराधना की जाती है। शिव जी की आराधना के लिए कोई भी स्थान, कोई भी समय या कोई वर्जना नहीं है। वैदिक बाकी की सारी पूजा पाठ आराधनाओं के लिए समय निहित है। रात्रि काल में तांत्रिक साधना हो या अघोर मार्ग की उपासना की प्रक्रिया हो, ये सारी प्रक्रियाएं भगवान शिव जी की परंपरा में, शैव परंपराओं में मानी जाती हैं। और मृत्यु के देवता महामृत्युंजय महादेव की आराधना करने वाले जातक सदैव स्वस्थ रहते हैं और धन से पूर्ण होते हैं, शक्ति से पूर्ण होते हैं। बिल्कुल, और आचार्य जी, कहीं ना कहीं भगवान शिव की पूजा में, जैसा कि हमने शुरुआत से ही सुना है और समझा है कि वो एक लोटा जल जो होता है, मतलब उससे भी खुश हो जाते हैं, लेकिन उनकी पूजा में जो बेलपत्र है उसका भी अपना योगदान है, अपना महत्वपूर्ण होता है। तो किस प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल पूजा में करना चाहिए? और अगर जो लोग, बहुत लोग कहते हैं श्रावण में मंदिर जाना चाहिए, जो मंदिर नहीं जा पाते वो घर में ही कैसे लाभ पाए? बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि जो जातक आज की जो वर्तमान के समय और स्थिति है कि सभी लोग मंदिर नहीं जा सकते, उनका जो रूटीन है वो उनको अलाउ नहीं करता है। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में आप चाहें तो घर के अंदर भी, क्योंकि मैंने देखा कई जातकों के मन में ये भ्रांति थी कि घर में शिवलिंग नहीं रख सकते, ऐसी भ्रांति में ना पड़िए। हाँ, बड़ा शिवलिंग उसकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करके घर में रखना वर्जित होता है, क्योंकि शिव जी श्मशानवासी हैं, वो घर के अंदर मंडप के अंदर नहीं रहते हैं। अघोर मार्ग के उच्चतम अवस्था में जो शिव जी की विराजमान स्थिति होती है, गृहस्थों के लिए घर के अंदर मंडप में रखना अलग संदर्भों में वर्जित किया जाता है।
लेकिन आप अपने दाहिने हाथ के अंगूठे के बराबर छोटा सा शिवलिंग जो कि एक ही पत्थर से निर्मित हो उसको आप निश्चित रूप से घर के अंदर रख सकते हैं और खूब विधि विधान से उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके जल से अभिषेक करिए, गंगा जल से अभिषेक करिए, गाय के कच्चा दूध से अभिषेक करिए, गन्ने के रस से अभिषेक करिए, दही से अभिषेक करिए, भूरा से अभिषेक करिए, अलग अलग पदार्थों से अलग अलग मनोकामनाओं के हेतु आप अभिषेक कर सकते हैं और भगवान शिव जी की कृपा से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जब देवताओं और राक्षसों का संग्राम हुआ और जब शिव जी ने समुद्र मंथन के बाद से हलाहल विष को पान किया और उनके गले में उस विष को उन्होंने रख लिया, उसके बाद से उस विष के प्रभाव से बहुत ही पीड़ा हुई और तब से जब लगातार शिव जी का जलाभिषेक होता है तो इससे उनको आनंद की प्राप्ति होती है और उनके सारे भक्त उनको इसीलिए जल से उनका अभिषेक करते हैं और इसीलिए ये कहावत भी है, ये कहा भी जाता है कि एक लोटा जल से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है कि दूध से, जल से, बिल्व पत्र से भांग जो है आयुर्वेद की एक औषधि होती है। भांग का जो पत्ता होता है जब चरमतम दर्द होता है तो आयुर्वेद के आचार्य लोग भांग के पत्ते को पीस करके या तो वहां लगाने की बात होती है या उसको चबाने की बात होती है, उसमें कई अलग अलग प्रक्रियाएं हैं और यही कारण है कि भांग धतूरा भी शिव जी को चढ़ाया जाता है। क्योंकि विष के संदर्भ में वो जो विष था वो अपने आप में अलग प्रकार का विष था, उससे पूरी सृष्टि का नाश हो सकता था और इसी कारण से उनको भांग, धतूरा और जल लगातार अभिषेक के रूप में उनकर अर्पित किया जाता है। बिल्कुल, तो चलिए दर्शकों, उम्मीद है कि आज श्रावण मास है क्योंकि आचार्य जी तो निश्चित तौर पर बहुत लोग जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से पूजा अर्चना करें। हाँ, ये लोगों में भ्रांति रहती है, लोगों में ये भ्रांति रहती है कि इनके ऊपर भांग क्यों चढ़ाया जाता है, बिल्कुल निश्चित, धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है, बिल्कुल निश्चित। पर ये आयुर्वेदिक औषधि, कई ऐसी औषधियां हैं जिनका दुरुपयोग आने वाले समय में या एक समय विशिष्ट के बाद से नशे के रूप में होने लग गया और इसलिए लोगों के मन में कई प्रकार का भ्रम हो गया कि भांग जैसी चीज देवताओं के ऊपर क्यों चढ़ाई जाती है। जैसे भैरव जी के पास जो शराब मद्य का जो भोग लगता है वो अपने आप में अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, उसकी आध्यात्मिक महत्ता बिल्कुल अलग है और जो सांसारिक रूप में हम उसकी स्वीकृति देखते हैं वो बिल्कुल अलग है, वो हजारों साल की प्रक्रिया है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, तो चलिए काफी बातें हुई इस बारे में और आचार्य जी अब एक पहले जान लेते हैं राशियों का हाल, मेष से लेकर मीन तक कैसा इनका दिन रहेगा, समय रहेगा, आज इन्हें क्या करना है और किन चीजों को करने से बचना है। शुरुआत करते हैं मेष विषय मिथुन से। मेष राशि से आरंभ करते हैं। मेष राशि के जातक पीठ पीछे किसी की बुराई करेंगे तो आप फंस सकते हैं, आपके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा। सेहत को लेकर के लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपके लिए धन ठीक ठाक औसत रूप में रहने वाला है। मेष राशि के जातक, विशेष रूप से आपको इस बात का ध्यान देना है, सर्वप्रथम अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना है और दूसरों की बुराई नहीं करनी है, इस बात का विशेष ध्यान देना है। मेष राशि के बाद अब हम लोग चर्चा करेंगे वृष राशि की। वृष राशि के जातक, आपके लिए बहुत से मामले आपके पक्ष में रहने वाले हैं और इससे आपको लाभ मिलेगा। पार्टनरशिप के कारण जरूरी कार्य आपके पूरे हो जाएंगे। चंद्रमा का गोचर जन्म कुंडली में अष्टम भाव को प्रभावित करेगा, सावधान रहने की आवश्यकता है। अष्टम भाव के प्रभाव से चोट चपेट दुर्घटना का योग बनता है, आपको बहुत ही सावधानी रखने की आवश्यकता है। मिथुन राशि के जातक, आज आपकी सारी परेशानियों का समाधान हो जाएगा। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें, कुछ कार्यों में सफलता नहीं मिलने से आपका मूड खराब हो सकता है, चित्त अशांत हो सकता है, सावधानी रखिए, निश्चित रूप से सारी समस्याओं का समाधान। बिल्कुल, और आचार्य जी बात करते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि वाले जातकों को, आज इनको क्या करना चाहिए, क्या करने से बचना चाहिए ताकि जो उनका दिन है वो पूरी तरह से व्यवस्थित हो। जी, आरंभ करते हैं कर्क राशि। राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में सफलता मिलेगी, मित्रों से मदद मिलने का प्रबल योग बन रहा है। इसके साथ ही साथ काम काज से जुड़ी कोई बड़ी चुनौती भी आपके समक्ष आ सकती है, वो चुनौती
आपके लिए प्रबल योग भी बनाएगी, इसलिए भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों से आपको बहुत ही प्रबल रूप में मदद मिलेगा, ऐसा शुभ योग बन रहा है। कर्क राशि के जातक, आपके लिए राजनीतिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत ही शुभ स्थितियां हैं। कर्क राशि के बाद अब हम लोग चर्चा करेंगे सिंह राशि की। आने वाले दिनों में लाभ मिलने का प्रबल योग बन रहा है, कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा, ऐसा योग है। और इसके साथ ही साथ कई प्रकार के कार्य हाथ में आप ले लेंगे एक ही साथ, तो इससे आपकी परेशानियां बढ़ जाएंगी, इसलिए एक के बाद एक कार्य करने की प्रवृत्ति को अपनाइए। सिंह राशि के बाद अब हम चर्चा करेंगे कन्या राशि की। कार्यालय के अधूरे कार्य निपटाने के लिए शुभ समय है, रोमांस के लिए भी आज का दिन बहुत ही शुभ है। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का दुष्प्रभाव होगा, इससे अनजाना सा भय आपको प्रताड़ित कर सकता है, एक अनजान सा भय आपके ऊपर प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव चंद्रमा ग्रह के दुष्प्रभाव से पीड़ित है। और जितने भी आपके अधूरे कार्य हैं कार्यालय के, वो भी आज पूरा करने का बहुत ही शुभ योग है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं आचार्य जी, तुला वृश्चिक और धनु राशि वाले जातकों की बात करते हैं, इनके लिए आज क्या शुभ रहेगा और क्या इन्हें शुभ करने का की जरूरत है। जी, आरंभ करते हैं तुला राशि के जातक। कार्यालय के काम ज्यादा रहेंगे और कार्यालय के कार्य से आप प्रभावित होंगे, जरूरी कार्य सारे पूर्ण हो जाएंगे, चिंतित होने की कोई बात नहीं है। व्यापार के किसी मामले में नया फैसला हो सकता है और कार्यालय में कार्य की अधिकता होगी, बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा, वो सारे कार्य पूर्ण भी हो जाएंगे, इसलिए चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुला राशि के बाद चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि की। आज अधूरे कार्य पूरे होने की संभावना बन रही है, भूमि संबंधी लेन देन में आपकी रुचि बढ़ेगी, कुछ पुरानी बातें आज आपको परेशान कर सकती हैं, ऐसा योग बन रहा है। वृश्चिक राशि के जातक, आपको भूमि संबंधी लेन देन में आपकी गहरी रुचि हो सकती है और ये रुचि आपको लाभ देगी। धनु राशि के जातक, मित्र आपसे प्रभावित हो सकते हैं, जीवन साथी से प्यार से पेश आइए, इससे आपको जीवन में सरलता का अनुभव होगा। नौकरी में, कार्य धंधे में आपका जो मूड है, आपका जो स्वभाव है, उसमें परिवर्तन स्पष्ट रूप से आपको प्रभावित करेगा। जीवन साथी के संदर्भ में भी आपको अपने व्यवहार को बहुत ही व्यवस्थित रखने की आवश्यकता है और आक्रामक रूप से आप कार्य क्षेत्र में अपना व्यवहार रखेंगे, इस पर भी आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल, और आचार्य जी बात कर लेते हैं अंतिम की तीन राशि मकर, कुंभ और मीन के बारे में। इनका समय कैसा रहेगा, इन्हें आज क्या करना और किन चीजों को करने से बचना है। जी, आरंभ करते हैं मकर राशि। मकर राशि के जातक, आप किसी भी कार्य में ज्यादा व्यस्त हो सकते हैं, अधिकारियों से भी कामकाज में सहयोग मिलेगा और किसी भी कार्य के लिए ज्यादा कठिन परिश्रम भी आपको करना पड़ सकता है, इस प्रकार का प्रबल योग बन रहा है, व्यस्तता आपकी बढ़ेगी लेकिन इसका शुभ परिणाम भी आपको प्राप्त होगा। मकर राशि के बाद अब हम लोग चर्चा करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातक, आज नौकरी पेशा लोग नई नई योजनाएं बना सकते हैं, खास लोगों से मुलाकात होने के प्रबल योग बन रहे हैं और फालतू के विवादों से दूर रहने की आवश्यकता है, उसमें अनावश्यक आपका समय बर्बाद होगा। कुंभ राशि के बाद अब हम लोग चर्चा करेंगे मीन राशि की। अच्छा और मीठा बोल करके आप अपने सारे कार्य पूर्ण कर सकते हैं, खास लोगों से मुलाकात होने के प्रबल योग बन रहे हैं और फालतू के विवादों से दूर रहिए, अनावश्यक आपका समय इसमें बर्बाद है। बिल्कुल, और आचार्य जी बात करें राशि अनुसार उपाय करने से किस प्रकार के लाभ होंगे। जी, सदैव ज्योतिष शास्त्र के जो भी उपाय होते हैं इसमें इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि अपनी अपनी राशि के अनुसार ही इन उपायों को करना, क्योंकि जो ज्योतिष शास्त्र के अलग अलग उपाय होते हैं उसमें हर जातक की जन्म कुंडली में सभी ग्रह एक समान स्थिति में नहीं होते हैं,
ऐसा करने से आपको लाभ होगा, अन्यथा लाभ के स्थान पर उल्टा हानि होने की संभावना बनती है। लेकिन चूंकि आज का विषय हमारा श्रावण मास का है और शिव जी की आराधना का है, तो इसमें कोई भी राशि के जातक हो, उनकी जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार का योग हो, देवों के देव महादेव की आराधना करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। महारुद्र भगवान शिव जी को कहा जाता है और रुद्र का अर्थ होता है रुदल कराने वाला, रुलाने वाला, कष्ट देने वाला, मृत्यु के देवता, भय के देवता। धरती पर जितने भी प्रकार के रोग, शोक, दुख, पीड़ा, भय और यहाँ तक कि मृत्यु का प्रभाव है, भगवान शिव जी के गणों से ही आता है। इसलिए महामृत्युंजय भगवान शिव जी की आराधना करने वाला जातक मृत्यु को भी जीत लेता है। शिव जी की आराधना करने के लिए किसी भी राशि, किसी भी नक्षत्र का कोई भी बंधन नहीं है। बिल्कुल। और आचार्य जी, चलिए अब बात कर लेते हैं उन जातकों की जिनका जन्मदिन है, कैसा रहेगा इनका समय। जी, आज जन जन जातकों का जन्मदिन है। आपको सबसे पहले आपके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। ऐसे जातक आपके लिए लेन देन की स्थिति बहुत ही शुभ बन रही है। फिजूल खर्ची आपको नहीं करनी है, अपने परिवार को समर्थन देना है। चिकनाई युक्त वस्तुओं का व्यापार आपके लिए शुभ रहने वाला है। कोई महत्वपूर्ण सूचना व संदेश आपको प्राप्त हो सकता है। पति पत्नी के बीच में सामंजस्य की स्थिति रहेगी। खर्च पूर्ति के लिए कर्ज लेना पड़ सकता है, लेकिन चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों के साथ मनोरंजन से युक्त यात्रा हो सकती है। युवाओं को करियर के अच्छे ऑप्शंस, विकल्प मिल सकते हैं। भाई बहन के बीच प्रेम बढ़ेगा, ऐसा योग बन रहा है। स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, इस प्रकार का योग है। ऊर्जा व जोश से आप भरपूर रहेंगे। व्यापार के सिलसिले में यात्रा हो सकती है और इसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार का योग उन जातकों के लिए है जिनका आज जन्मदिन है। बिल्कुल। और आचार्य जी, आज जिन जातकों का जन्मदिन है उनके लिए सावधानियां किस प्रकार की है? जी, आज जिन जिन जातकों का जन्मदिन है, आपको सावधानियां क्या क्या रखनी है ये भी मैं बता देता हूँ। छोटी छोटी सी सरल सी सावधानियां हैं। ड्राइंग रूम कभी भी पूरी तरह से बंद आपको नहीं रखना है। खाना खाते समय टीवी नहीं देखना है, ये छोटी सी सावधानी आपको रखनी है। घर में तुलसी जी का पौधा अवश्य लगाइए। घर के किसी भी कमरे में जूठा बर्तन ना रहे, ऐसी व्यवस्था रखनी है। अनामिका उंगली में काला धागा बांध के रखना है। 108 बार गणेश जी के मंत्र का जाप करना है और भोजन करने से पहले कुछ मीठा खाइए। आप गुण का प्रयोग कर सकते हैं, इस प्रकार का आपको सावधानी रखना है। बिल्कुल। और आचार्य जी, बात अगर हो गई है सावधानियों की, तो बात कर लेते हैं उपाय की भी कि आज जिन जातकों का जन्मदिन है उन्हें उपाय किस प्रकार से करने हैं अपने जीवन को अच्छा व्यतीत करने के। आज जिन जिन जातकों का जन्मदिन है, आपको उपाय में माँ दुर्गा जी की आराधना करनी है। पानी में तिल मिला करके स्नान करना है और नहाने से पहले शहद का प्रयोग करना है। इसके साथ ही साथ पीला फूल सूंघ करके अपनी दाहिनी तरफ फेंक दीजिए और पानी की बोतल में कुमकुम मिला करके मिट्टी में गाड़ देना है। पानी में सफ़ेद फूल डाल करके स्नान करना है। तुलसी जी के पौधे में जल डालना है और ये प्रयोग आपको सुबह शाम दोनों समय करना है। लाल चूड़ी माँ दुर्गा जी के मंदिर में जा करके अर्पित करना है। छोटे छोटे से उपाय आपको करना है। बिल्कुल। और आचार्य जी, अब बात कर लेते हैं लकी कुंडली की। जो पहली लकी कुंडली वो अर्णव की है, देख लेते हैं इनके बारे में कि क्या कुछ इनकी स्थिति बन रही है। जी, अर्णव जी आपके वृश्चिक लग्न है और लग्न स्थान पर शनि विराजमान है। शुक्र और बुध की युति पराक्रम के भाव में बन रही है और बृहस्पति राहु की युति दशम भाव में बन रही है। आप मिथुन राशि के जातक हैं। आंशिक काल सर्प योग की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में बन रही है। आपको काल सर्प योग का विधि विधान से पूजन कराना चाहिए और जन्म कुंडली के आधार पर आप पूर्ण रूप से मांगलिक हैं। आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। कार्य क्षेत्र में
थोड़ी असुविधा हो सकती है, लेकिन नित्य निरंतर हनुमान जी की आराधना करते रहिए, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल आचार्य जी, और जो दूसरी लकी कुंडली है वो कामना की है, वो भी देख लेते हैं जी। कामना जी आपकी मीन लग्न है और भाग्येश और धनेश होकर के मंगल पराक्रम के भाव में विराजमान हैं। आप कन्या राशि की जातक हैं और सूर्य बुध की बहुत ही शुभ युति दशम भाव में बन रही है। शुक्र शनि की युति लाभ स्थान पर बन रही है। आपको भगवान शिव जी की आराधना करनी चाहिए। शिव जी की प्रतिदिन आराधना करिए, शिव जी का जलाभिषेक करिए और सोमवार के दिन व्रत रहिए। यदि व्रत न रह पाए तो फलाहार कर लीजिए या एक समय पूजा करते समय तक आप व्रत रहिए। इससे आपके जीवन की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। बिल्कुल, और निश्चित तौर पर चलिए, उम्मीद है कि आज, क्योंकि आचार्य जी श्रावण मास है और जिस प्रकार से हमने बातचीत की, उम्मीद है दर्शकों को काफी सारी हेल्प मिली होगी। लेकिन ऐसा कुछ अगर रह गया है जो आप आचार्य जी से जानना चाहते हैं, पर्सनली उनसे बात करना चाहते हैं, तो आप आचार्य जी का मेल आईडी नोट डाउन कीजिए। आप इस पर बात करके आचार्य जी से अपने सवाल कर सकते हैं, आचार्य जी आपको जवाब देंगे। ये आचार्य जी का मेल आईडी है भाग्यचक्र1530@gmail.com। ये आचार्य जी का मेल आईडी है और फोन नंबर भी आप आचार्य जी का नोट डाउन कीजिए 9565001891। ये आचार्य जी का फोन नंबर है, इस पर बात करके आप आचार्य जी से अपने सारे सवालों के जवाब पा सकते हैं। तो आचार्य जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे दर्शकों के लिए आए और उनके सवालों का जवाब भी दिया। तो दर्शकों, कल फिर उम्मीद है कि एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे और आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। बहरहाल आज के भाग्य चक्र में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।